हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना क्यों है इतना जरूरी। इन केस अगर आपका बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो इससे बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है, वो सारी परेशानी बच्चे को ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके लंग्स के अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? उसको ऑक्सीजन माँ के गर्भनाल के थ्रू मिलता है या फिर उसकी ग्रोथ के लिए जो बाकी और जो उसके रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी उसको गर्भनाल के थ्रू मिलती है। लेकिन जब बच्चा माँ के कैनाल के थ्रू बाहर आता है या फिर सिजेरियन के थ्रू जब बच्चा बाहर आ जाता है, गर्भनाल से उसका कनेक्शन टूट जाता है तो बच्चों के लंग्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो खाली हो जाता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चा आपका रोता है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स है उसके लंग्स को ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो चुका है या फिर ऑक्सीजन उसके दिमाग तक पहुंच गया है। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद जन्म के 2 मिनट के अंदर बच्चों के दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। तो बच्चा आपका रोता है इसका मतलब है कि बच्चों की बॉडी में ऑक्सीजन जाना स्टार्ट हो चुका है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि बच्चा दिमागी रूप से कोई उसको डैमेज हो सकती है या फिर बच्चों की बॉडी के जो और ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चों के कान कमजोर हो सकते हैं या फिर बच्चों की आंखें कमजोर हो सकती है, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में कहीं डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना जरूरी है ताकि हमें ये पता चल पाए कि बच्चों की लंग्स में हवा भरना स्टार्ट हो चुकी है, ऑक्सीजन बच्चों की बॉडी को मिलना स्टार्ट हो चुका है। पहले के टाइम में क्या किया जाता है, जब बच्चा नहीं रोता है तो बच्चों की बॉडी को पूरा उल्टा पकड़ लिया जाता है, पैर के थ्रू उसको ऊपर पकड़ लिया जाता है और उसकी पीठ के ऊपर थोड़ा सा ठप ठप किया जाता था। तो इससे क्या होता है कि जो फ्लूइड थोड़ा बहुत अगर बच्चे की नोज के अंदर या फिर माउथ के अंदर बाकी है वो निकल जाएगा और लंग्स प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा और बच्चा आपका बिल्कुल से रो देगा। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, हो सकता है कि इसकी वजह से बच्चों के गर्दन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आजकल ये सारी चीजों को अवॉइड किया जाता है। और आजकल क्या किया जाता है कि सक्शन बल्ब के थ्रू बच्चों के नोज को क्लीन किया जाता है या फिर बच्चों के माउथ को क्लीन किया जाता है ताकि अगर कोई फ्लूइड बच्चों की नोज में या फिर माउथ के अंदर है तो वो निकल जाए और बच्चे के लंग्स प्रॉपरली काम ना शुरू कर दे और इससे बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। तो इन केस आपका बच्चा अगर जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो बहुत सारे चांसेस है कि बच्चा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच्चा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा और 8 या 10 दिन में बच्चों की डेथ हो सकती है। इन केस अगर आपके बच्चे ने सर्वाइव कर लिया है तो फिर क्या परेशानी हो सकती है, बच्चे को दिमागी रूप से कोई परेशानी हो सकती है या फिर बच्चों के कान से सुनाई कम देना या फिर आंखें कमजोर होना, बाकी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना जरूरी है। आपका बच्चा अगर जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो उसके माइलस्टोन है वो टाइम पे अचीव कर पा रहा है या नहीं, बाकी वो नॉर्मल है या नहीं। मतलब कि बच्चा अगर 3 महीने पे गर्दन को सीधी स्ट्रेट होल्ड कर रहा है या नहीं, अगर 4-5 महीने हो चुके हैं या फिर उससे ज्यादा हो चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं, अब तक आपके बच्चे ने गर्दन होल्ड नहीं करना सीखा, बच्चा जन्म के समय नहीं रोया, तो आपको क्या करना चाहिए, आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो अगर आप टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ली जाएगी, बच्चों के भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो उनकी हेल्प के थ्रू बच्चा आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या होगा कि बच्चे के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे और बच्चा आपका 1 साल का हो चुका है तब तक उसने गर्दन को होल्ड करना नहीं सीखा या और उसके जो माइलस्टोन है वो अगर उसने टाइम पे अचीव नहीं किए, बहुत लेट कर दिया आपने, और आप तब अगर डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे डॉक्टर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर बच्चा आपका टाइम पे नहीं रोता है, जन्म के समय नहीं रोता है तो आपको उसका पूरा पूरा ध्यान देना है और डॉक्टर के साथ भी आपको कांटेक्ट में बना रहना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं, बच्चा आपका ठीक है या नहीं, उससे रिलेटेड आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जन्म के तुरंत बाद बच्चे नहीं रोते हैं और बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। क्या होता है, जब बच्चा प्री मैच्योर होता है, बहुत मतलब छोटा होता है, टाइम से पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर कई बार
ट्विंस होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे रोते भी हैं लेकिन उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो उस केस में आप डॉक्टर को पूछ लीजिए कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर आपका नहीं रोया है फिर भी बच्चे को तुरंतली NICU में भेज दिया जाता है, और वहां पे कोई प्रोसेस करवा के बच्चे के लंग्स प्रॉपरली काम करना शुरू करवा दिया जाता है, ऑक्सीजन बच्चे की बॉडी को दे दिया जाता है ताकि बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस केस में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपकी डिलीवरी हो तो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज करें जहां पे आपकी डिलीवरी के समय कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हो, ताकि अगर इन केस आपका बच्चा नहीं रोता है 2 मिनट में, अगर बच्चों के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होगा तो ये सारी जो प्रोसेस है वो तुरंत से स्टार्ट करवा दी जाए। और NICU की भी फैसिलिटी अगर जल्द से जल्द बच्चे को मिल जाएगी तो बच्चा अगर आपका नहीं रोएगा तो भी ये प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगी। तो ये सारी चीजों का आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों का जन्म के तुरंत बाद रोना जरूरी होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।